नमस्कार दोस्तों, कितना अच्छा होता ना कि आप शाम को ऑफिस से थक के आते और एक ऐसा डॉक्टर है जो कि सारी रात आपकी बीमारियों को ठीक करता, शरीर को रिचार्ज करता, माइंड को फ्रेश रखता और तो और आपको हमेशा जवान और निरोग रहने में आपकी मदद करता। और जी हाँ, ये ऐसा डॉक्टर है कि इसकी दवाइयाँ भी बिल्कुल मुफ्त हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ स्लीप की। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ सबसे पहले नींद के वो अवयव जो कि आपकी बीमारी को ठीक करते हैं, और अगर वो सही ना हो तो क्यों आपका शरीर बूढ़ा और बीमार पड़ने लगता है। और मैं आपको बताऊँगा नींद के बारे में कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे टिप्स जिसको अमल करके आप अपने शरीर को पूरी तरह से नींद में ही ठीक कर सकते हैं। मतलब कि आपका शरीर पूरी रात बीमारियों को ठीक करेगा और शरीर को भी स्वस्थ रखेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, सबसे पहले हम स्लीप की फिजियोलॉजी को समझेंगे कि आखिर स्लीप से हमारे अंदर क्या होता है और क्या इसकी हीलिंग कैपेबिलिटी है। क्योंकि आपने भी सुना होगा, जिसकी नींद अच्छी नहीं होती वो प्रोडक्टिव नहीं होते, उनको बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, हार्ट अटैक हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, वगैरह वगैरह। लेकिन एग्जैक्टली क्या होता है ना, ये समझना ज़रूरी है। क्योंकि नॉलेज जो हम लेते हैं अपने ब्रेन में, वही हमारा एक्सपीरियंस बनता है और वही हमारा इंस्पिरेशन बनता है। मित्रों, सबसे पहली बात, स्लीप में आपका बॉडी और आपका माइंड रिलैक्स्ड होता है। देखा गया कि जैसे ही आप अल्फा स्टेट में जाते हैं और उसके नीचे वाले ब्रेन वेव स्टेट में जाते हैं नींद के सहारे, तो आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स की जो एक्टिविटी है ना, वो एक्टिविटी कम हो जाती है। ये एक्टिविटी को मेज़र किया जाता है ECG में। जो अल्फा वेव हैं वो यही बताते हैं कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कम हो गई। जब आप डेल्टा या थीटा में उतरते हो तो इसका मतलब ये है कि एक्टिविटी और कम हो गई। और जब एक्टिविटी कम होगी तो एनर्जी कंजम्पशन भी आपके ब्रेन का कम हो जाएगा, और इस समय आपके ब्रेन के पास ये अपॉर्चुनिटी होगी कि वो अपने आप को फिर से रिचार्ज कर सके। जो न्यूरोट्रांसमीटर्स खर्च हो गए हैं वो फिर से लोड किए जा सकें, और जो भी टॉक्सिन आपके शरीर में बना है, आपके ब्रेन में बना है, उसकी सफाई होती है। ऐसा ही काम देखा गया कि आपके मसल्स के साथ भी होता है। नॉर्मली ज़्यादातर लोग जब सोते हैं ना, तो भी आप उनके फेस को देखेंगे, मसल्स को देखेंगे, उसमें एक टेंशन रहता है, और इस टेंशन के लिए आपके मसल्स को ATP या एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। लेकिन जब आप डीप स्लीप में जाते हैं ना, तो आपके मसल्स भी रिलैक्स हो जाते हैं, और ये सेम प्रोसेस जो कि मैंने ब्रेन के न्यूरॉन्स के लिए बताया, वो सेम क्लींजिंग, रीलोडिंग, रीचार्जिंग एक्टिविटी आपके मसल्स के लिए भी होती है। और ये भी देखा गया कि जब आप थीटा ब्रेन वेव या डेल्टा वेव में जाते हैं, जो कि डीप स्लीप की स्टेट है, तो आपके मसल्स में ज़्यादा ब्लड फ्लो होता है, और ये ब्लड फ्लो आपके मसल्स को रिचार्ज भी करता है और आपके मसल्स को पावरफुल बनाता है, और जो भी टूटे हुए मसल्स हैं, जो भी डेड कोशिकाएं हैं, उसको भी रिप्लेस करने में आपकी हेल्प करता है। मतलब कि आपके मसल्स की, आपके बॉडी की हीलिंग फास्ट हो जाती है। दूसरी बात जो स्लीप में होती है, जिसलिए कि इसको स्लीप को डॉक्टर कहा जाता है, वो है ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन। मित्रों, डीप स्लीप में ही ग्रोथ हार्मोन, जो कि हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, उसका सिक्रीशन होता है। इस सिक्रीशन के कारण शरीर में अगर कहीं भी टूट हुई है, कहीं तोड़ फोड़ हुई है, कोई इंजरी हुई है, उसका रिपेयर होता है। और तो और दूसरी बात यह है कि आपका शरीर ग्रो करने के लिए बना है। जिन लोगों में आपने देखा हो ग्रोथ रुक जाती है, वो जल्दी बूढ़े होने लगते हैं, स्किन ज़्यादा सैगिंग हो जाती है, इसका रीज़न यही है कि डीप स्लीप नहीं हो रही है और इसके कारण ग्रोथ हार्मोन प्रॉपरली रिलीज नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप अपनी स्लीप को डीप कर लें, जो कि मैं बताऊंगा और भी टेक्निक्स जिसके सहारे कि आप इन क्रियाओं को प्रमोट कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट जो कि स्लीप को डॉक्टर बनाता है, वो है स्ट्रेस रिलीज। मित्रों, हमारे शरीर में आजकल की डे टू डे एक्टिविटीज़ और चैलेंजेस के कारण स्ट्रेस केमिकल एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल, जिसको कि डेविल्स कॉकटेल भी कहते हैं, इसका लेवल बढ़ा हुआ रहता है। इसके कारण शरीर एक फालतू की इमरजेंसी मोड में रहता है और आपकी 95% जीवन शक्ति, जो क्रिएटिव एनर्जी है ना, वो बर्न हो रही है, और इसके कारण आप लगातार बीमार पड़ते हैं या बीमारियाँ बढ़ती जाती हैं।
रिसर्च ये भी कहता है कि 95% जो आज बीमारियां हैं या तो वो मन से स्ट्रेस के कारण होती हैं या स्ट्रेस उनको प्रमोट करता है। लेकिन देखा क्या है, जिस इंसान की स्लीप डीप होती है उसमें कॉर्टिसोल का लेवल घटने लगता है, और जब कॉर्टिसोल का लेवल घटता है ना तो आपकी ब्रेन और बॉडी को मैसेज जाता है डरने की कोई बात नहीं है, तुम रिलैक्स्ड रहो, लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। इसलिए डीप स्लीप इस मायने में भी जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है इम्यूनिटी का कंट्रोल। मित्रों, इम्यूनिटी को दो ही चीज़ कंट्रोल करती है, एक है आपका स्ट्रेस और दूसरा है आपकी स्लीप। और भी बीमारियां हो सकती हैं एपिजेनेटिक्स के जो बाकी कंसेप्ट बताते हैं, बट मेनली ये दो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि बहुत जल्दी छींक आ जाती है, वो बहुत ज़्यादा एलर्जिक होते हैं, और तो और उनको बहुत ज़्यादा बीमारी हो जाती है कभी भी सीजन चेंज करने पे। इसका कारण है इम्यून सेल्स का वीक होना, हमारी इम्यूनिटी का वीक होना। और स्लीप पे जो रिसेंट रिसर्चेज है ना, वो ये बताते हैं कि जब नींद गहरी होती है तो ना सिर्फ इम्यून सेल्स के जो सिपाही हैं, बेसोफिल्स हों, मोनोफिल्स हों, लिम्फोसाइट्स हों, सारे के सारे सक्रिय होते हैं, बल्कि जो एंटीबॉडीज़ हैं वो भी अपना काम अच्छे से करती है। इसके कारण आपकी इम्यूनिटी मजबूत होती है। और इम्यूनिटी मजबूत होने का मतलब क्या है, शरीर ग्रो कर रहा है, शरीर में मजबूती होगी, शक्ति होगी और आप खुश रहेंगे। एक और डीप कंसेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ जिसके बारे में बहुत सारे लोग पूछते हैं, वो है ऑटो इम्यून डिजीज़। ऑटो इम्यून डिजीज़ में देखा गया है, स्लीप का रिसर्च ये कहता है, जिनकी स्लीप प्रॉपर नहीं है उनमें देखा गया है कि इम्यूनिटी जो है ना सही तरीके से अपना काम नहीं करती। ये वही बात हो गई कि आपके पास सेना तो है और सेना को आपने लड़ने के लिए भेजा, लेकिन वो ये नहीं पहचानती कि दुश्मन कौन है, और इसके कारण बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे कि यूवियाइटिस हो गई, रूमेटाइड आर्थराइटिस हो गया, इस तरह के बहुत सारे ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं जो कि इम्यून सेल्स के डिसफंक्शन के कारण, उनके कन्फ्यूज़न के कारण पैदा होता है। लेकिन सिर्फ स्लीप के डॉक्टर को जगाकर, स्लीप को अच्छा करके आप इन ऑटो इम्यून डिजीज़ को भी कंट्रोल कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% यही कारण है, लेकिन कुछ हद तक ही सही आप इसे कम ज़रूर कर रहे हैं, क्योंकि ये रिसर्च प्रूवन है और आप इस स्टडी को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जो स्लीप को एक डॉक्टर बनाता है, वो है हैप्पीनेस केमिकल का रिलीज़। ये डायरेक्टली नहीं होता, सीरोटोनिन का रिलीज़ कैसे होता है, जब भी आप अपनी आँखों को बंद करते हैं ना, होता क्या है कि जब अंधेरा होता है तो आपके ऑप्टिक नर्व से आपके ब्रेन को एक मैसेज जाता है सुप्राकाइज़मेटिक न्यूक्लियस को एक्टिवेट करने का, कि अब अंधेरा हो चला है। और इस स्थिति में आपका जो पीनियल ग्लैंड है वो एक केमिकल निकालता है जिसे कहते हैं स्लीप केमिकल, मेलाटोनिन। मेलाटोनिन के कारण भी शरीर की हीलिंग होती है, शरीर रिचार्ज होता है और आपकी नींद बहुत अच्छी हो जाती है। याद रखिएगा, ये मेलाटोनिन वही है जो ट्रिप्टोफैन से बनता है, और मेलाटोनिन से ही हैप्पीनेस केमिकल सीरोटोनिन भी बनता है। कहने का अर्थ ये है कि जब आप अपने स्लीप साइकिल को सही से बैलेंस रखते हैं, सर्कैडियन रिदम को कंट्रोल में रखते हैं, तो इसके कारण आपकी बॉडी अपने आप बीमारियों को हील करना शुरू कर देती है।